अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हो गया है कोई वीडियो नहीं डाली, तो भाई क्या डालता, कोई कंटेंट ही नहीं था। आ जाऊँगा एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो भाई काफ़ी लोग पूछ रहे थे बालों पे क्या लगाते हो, तो भाई मैं एक हेयर मास्क बनाता हूँ खुद टोट के, यू नो जुबैदा आप आगे तो वो मैं आज आपको बना के दिखाता हूँ। और एक हेयर ऑयल है जो मैंने खुद बनाया है, वो भाई बिजनेस करेंगे उसका, तो हम वो अभी मैं नहीं बता सकता, वो कुछ टाइम बाद बना के बेचूंगा ऑनलाइन, तो आप सब खरीदेगा और पसंद आया तो बताइएगा। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, और मेरा मगर मैं सबको हाय कहते हुए भाई। तो हम डायरेक्ट आ गए हैं वीडियो की तरफ। मैंने बोला फालतू में क्यों लंबी करूं, तो ये है हनी बनाना और अपना योगर्ट, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हमें मिक्स करनी है, क्योंकि देखिए ना बनाना में आप सबको पता है प्रोटीन होता है, और दही जो है आपके अगर लंबे बाल है ना, क्योंकि मुझे पता है कितनी उसमें खारिश होती है और हीट हो जाती है बालों में, तो ये हीट ख़त्म करता है और ये बालों को थिक करेगा। अगर आपको अंडा मिलाना है आप अंडा ही मिला सकते हैं। तो आप जल्दी से इसे मिक्स करते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसे हमें ऐसे मिक्स करना है बिल्कुल, इसे मैं और पतला कर दूंगा, और दही हमें मिलानी है सिर्फ एक चम्मच, ठीक है। दही सिर्फ एक चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको ज़्यादा कम लग रही हो तो थोड़ी सी ऐसे डाल दें, और हनी डालनी है एक पूरा चम्मच डालना है। यह हनी बहुत सख्त हो गई, काफ़ी टाइम बाद निकाली है मैंने, ठीक है। एक चम्मच हमारी हनी हो गई, अब मैं इसे सही से वैसे ही मिक्स कर दूंगा। और भाई मिक्सचर बन गया, ये रख मिक्सर दिखाओ, ये यूँ बनेगा बिल्कुल। तो मिक्सचर बनाने मिक्सचर तो बन गया, यूट्यूब ने हमें क्या से क्या बना दिया, ठीक है। पहले तो फिर बालों पहले आप ब्रश कर लें, ठीक है, ताकि बाल जो भी आपके टूटे हुए हों, या जैसे मेरे बाल टूटते नहीं हैं, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, समझ रहे हो। हाँ, तो खैर उसके बाद मैंने याद तो कर लिया। वैसे कोई भी यूट्यूबर लगा के नहीं दिखाता, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। अजीब सा लग रहा है ये, क्या काम हुआ डाल दिया मुझे, ठीक है। यूँ लगाना है, ठीक है, बालों में। और मेरे पास शीशा नहीं है, तो ये मैंने आपको ज़रा सा लगा के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको यकीन हो कि भाई जो बना रहा है वो लगा रहा है, ठीक है। ये लगाने के बाद आपको 30 या 40 मिनट बाद, ये आपको दोनों महीने में दो या तीन बार लगाना है, हफ्ते में भी नहीं, ये मैं बहुत कम लगाता हूँ, क्योंकि मेरा जो हेयर ऑयल है ना वो मेरे बालों को मैनेज कर लेता है सही से, ठीक है। तो मैं आपको लगा के भाई, ये तो मैंने अभी बालों में लगा दिया, शर्ट भी मैंने जब बदल ली, तो मैंने बोला गिरा गिरा ना, गिरा भी है शायद, अभी आप पूरा देख लें बालों को, ये मैंने सही से लगा दिया, और जहाँ से रहेगा तो मैं देख के लगा दूंगा। अभी ये मैं 30 मिनट बाद दूंगा, और फिर आज की वीडियो, बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, देख रहे हैं आप खुद गिर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये ज़रूर ट्राई करें, जिनके बाल गिरते हैं या बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं वो ये ज़रूर ट्राई करें, और ये आप मुंह पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, ठीक है। और बाकी क्या बता रहा था मैं आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिनके बाल डैमेज हुए हैं और वो आपसे पूछते रहते हैं, ठीक है। और भी बहुत टिप्स हैं, सबसे अच्छी टिप्स मैं आपको ये दूंगा कि हफ्ते में सिर्फ दो बार शैम्पू करें, ये बार बार शैम्पू नहीं किया करें, वो आपके बालों को बहुत डैमेज कर देता है भाई। जिन्हें अच्छे बाल चाहिए ना ऐसे, वो हफ्ते में एक या दो बार शैम्पू करें, बस बात ख़त्म। और भाई बोनस टिप यही है कि ऐसी टोपी पहना करें, उससे बाल पीछे भी होंगे और अच्छे भी होंगे, शक्ल भी नूरानी होगी। और दूसरी बात ये कि शैम्पू हफ्ते में सिर्फ दो बार, ये बात मेरी याद रखें, और जिस दिन शैम्पू करना हो उस दिन
आप हेयर ऑयल अप्लाई करें कोई सा भी, अगर मेरा हेयर ऑयल चाहिए तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, उसे आप फॉलो करें और बस कुछ ही, बस सून वो हेयर ऑयल अवेलेबल हो जाएगा आप लोग के लिए। और थोड़ी अनप्रोफेशनल वीडियो है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।